एस जयशंकर ने दिल्ली में जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन का किया उद्घाटन। बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान। इससे पहले भी इस तरीके के कुछ कांड हो चुके हैं, लेकिन नीतीश को लोगों की जान की परवाह ही नहीं है। वहां तो पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है जिस पर आज की सरकार निर्भर कर रही है, वो है शराब, अवैध शराब की। राज्य सरकार की लापरवाही है, दोषी है राज्य सरकार, और उनको भरपूर मुआवजा दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अनिल विज ने कही बड़ी बात। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, देश की राजनीति के लिए, क्योंकि आज तक 70 साल नकारात्मकता के आधार पर ही सरकारें बनती होती थी। एक सरकार आई, उसने गलत काम किए और लोग दूसरी को, फिर उसने गलत काम करे, फिर तीसरी। पहली बार की सकारात्मकता के आधार पर सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, ये बहुत बड़ी बात है सारे देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। अब जो एजेंडा आएगा उसमें देखते हैं क्या, उसमें जो आएगा एजेंडा, कुल मिला के हमारा एक ही एजेंडा कि हमने प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करना है और हरियाणा को भी उसी रफ्तार के साथ हमने आगे लेके जाना जिस रफ्तार के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जा। भैया मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना, मैंने तो एक स्पष्टीकरण दिया, मेरे कार्यकर्ताओं में एक बात फैला दी गई कि भाई अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैंने तो उसका स्पष्टीकरण दिया था केवल कि भाई मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया, मैंने काम किया उसके, जहां मुझे भेजा मैं गया हूं, जो मेरी ड्यूटी लगाई मैंने की है, और अगर ये दायित्व भी मुझे देंगे तो मैं निभाऊंगा। मैंने चाहा नहीं, अगर चाहा होता तो आज से मैं कंबल लेकर लेटा हुआ। देखिए अब हारने वाला भी वो फेल हो जाता ना, वो कई प्रकार के बने। कई बार तो कहता जी कमरे में रोशनी कम थी, कभी कहता मेरी शाही गिर गई थी, कभी कहता रास्ते में मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी, कभी कहता रेड लाइट हो गई। तो ये रोने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं एक छोटा सा कार्यक्रम 120 सीट का चुनाव का समय, हर मुकाम पर मैंने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के और सहयोग के सरकार बनाएगी, जो कि सच भी साबित हुआ। हरियाणा के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एनडीए मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में गर्मजोशी से किया गया स्वागत।